एवरीवन, टेक आउट योर ज्योग्राफी बुक, ओपन पेज नंबर 43। हियर द चैप्टर 6, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। हम यहाँ पे लैंडफॉर्म्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है माउंटेन, प्लेन, प्लैट्यूज, रिवर, लेक, ओशियंस, और भी इनफाइनाइट लैंडफॉर्म्स होते हैं जिसमें अनगिनत लैंडफॉर्म्स होते हैं बहुत सारे। हमने इस चैप्टर में 2 प्रोसेस पढ़ी लैंडफॉर्म्स की, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो ज़मीन के नीचे वाली जो कंटिन्यूस मूवमेंट होता है उसे इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं, और जो ज़मीन के ऊपर जो मूवमेंट होता है बारिश की वजह से, विंड की वजह से, एयर की वजह से, उसको हम एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं। फिर हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। माउंटेन्स में हमने ये पढ़ा कि जो माउंटेन्स राउंड भी होते हैं, माउंटेन्स कॉनिकल शेप के भी होते हैं। माउंटेन्स हमने 3 टाइप्स के पढ़े, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनो माउंटेन। फिर हमने प्लैट्यूज के बारे में पढ़ा। प्लैट्यूज ऊँचे ज़रूर होते हैं लेकिन प्लैट्यू का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है। सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है, उसका जो टॉप सरफेस होता है वो फ्लैट होता है। और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लैट्यू है डेक्कन प्लैट्यू, और इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लैट्यू है वो है टिबेट प्लैट्यू। ओके, और प्लैट्यू बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे माउंटेन यूज़फुल होता है, माउंटेन हमारे लिए यूज़फुल है। माउंटेन्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, मोस्टली टूरिस्ट प्लेस भी जाते हैं वहाँ विजिट करने। प्लैट्यूज भी ऐसे ही होता है, प्लैट्यूज बहुत सारे यूज़फुल है। प्लैट्यूज माइनिंग के लिए, मिनरल्स के लिए, आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर, कोल, इन सब के लिए प्लैट्यू जाना जाता है। इन सब के लिए जो ह्यूमन बींग्स के लिए कंसम्पशंस है, जो ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर सकते हैं प्लैट्यू, इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओपन पेज नंबर 43, प्लेन्स। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन्स जो होते हैं प्लैट्यू की जगह, उसका लैंड सरफेस तो फ्लैट होता है लेकिन प्लेन्स कभी भी ऊँचे नहीं होते, प्लेन्स हमेशा लैंड में ही होते हैं। प्लैट्यूज ऊँचे होकर उसका सरफेस फ्लैट होता है, लेकिन जो प्लेन्स होते हैं वो लैंड में ही फ्लैट होते हैं। जो हमारी ज़मीन है वही प्लेन्स होती है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव मेन सी लेवल। जो सी लेवल हमारा होता है, जो हमारा गहरा पानी होता है, सी लेवल हमारा जीरो लेवल होता है, तो सी लेवल से सिर्फ 200 मीटर ही ऊपर प्लेन्स होते हैं, उससे ऊपर प्लेन्स नहीं होते। प्लैट्यूज बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, प्लैट्यूज 4000 से 6000 मीटर तक होते हैं, और जो माउंटेन्स होते हैं वो उससे भी हाई होते हैं। माउंटेन सबसे ऊँचे होते हैं, कभी कभी कुछ माउंटेन्स जो ऐसे होते हैं, जो हमारे वर्ल्ड में कुछ माउंटेन ऐसे भी हैं जो क्लाउड्स को टच करते हैं, क्लाउड्स के भी ऊपर होते हैं। माउंटेन्स की हाइट सबसे ज़्यादा होती है, फिर प्लैट्यू की होती है। प्लैट्यू की हाइट जनरली 4000-6000 मीटर तक होती है, लेकिन जो प्लेन्स होते हैं वो उनकी हाइट सी लेवल से सिर्फ 200 मीटर ही होती है, वो लैंड में ही होते हैं और उनका सरफेस फ्लैट होता है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर मे बी स्लाइटली रोल्ड एंड अनड्यूलेटिंग। जो प्लेन लेवल होता है, जो प्लेन होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट राउंडेड, जो उनका लैंड होता है वो सॉफ्ट राउंड फर्टाइल लैंड होता है। सम ऑफ द प्लेन्स आर फाउंड बाय द रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। कुछ जो प्लेन्स होते हैं उनके आसपास, उनके उस प्लेन्स में रिवर भी बहती है, नदियाँ भी बहती हैं। और ट्रिब्यूटरीज का यहाँ पे मतलब है कि कोई छोटी सी नदी, जो वो बड़ी सी जो नदी होती है उसमें आके मिल जाती है, उसे ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। मतलब कि जो बड़ी सी रिवर होती है वो छोटी रिवर से आके मिल जाती है, तो बड़ी रिवर वो छोटी रिवर के लिए ट्रिब्यूटरी बन गई। तो इसलिए जो छोटी रिवर है वो बड़ी रिवर के लिए ट्रिब्यूटरी बन गई, तो इसलिए जो प्लेन्स होते हैं उसमें नदियाँ भी बहती हैं। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड एंड स्लेट अलॉन्ग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज। इट इज़ फ्रॉम देयर डिपॉजिट्स ऑफ द प्लेन आर फॉर्म। जो रिवर्स होती हैं वो माउंटेन से बहती हुई प्लेन्स में आती हैं, और जो प्लेन्स होती हैं उसमें रिवर भी बहती है और उसकी ट्रिब्यूटरी भी होती है। जो बड़ी सी रिवर होती है, जो बड़ी रिवर होती है, जिसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, वो 3-4 स्टेट से बहती हुई आती है, वो रिवर में जब छोटी रिवर जुड़ जाती है तो वो छोटी रिवर ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो जो रिवर्स है वो माउंटेन्स की तरफ स्लोप होते हुए प्लेन्स में आती है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। मैंने आपको भी बताया था प्लेन्स लैंड में ही होते हैं
और उसकी सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारे होते हैं। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। रिवर्स की वजह से कुछ जो बड़े बड़े प्लेन्स को ढूंढा गया है जो कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका में है। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यंगेस्ट इन चाइना। जो रिवर्स को फाइंड आउट किया है, जो रिवर्स की वजह से जो बड़े बड़े प्लेन्स को फाइंड आउट किया गया है वो प्लेन्स एशिया और नॉर्थ अमेरिका लोगों ने फाइंड आउट किया है। एशिया में गंगा इंडिया के प्लेन्स को फाइंड आउट किया है और ब्रह्मपुत्र और चाइना में यंगेस्ट प्लेन को। प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, जैसे कि माउंटेन्स और प्लेटियोज बहुत ज़्यादा ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे प्लेन्स भी ह्यूमन हैबिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन हैबिटेशन का मतलब है कि वहाँ पे ह्यूमन बींग्स रह भी सकते हैं। देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। जो प्लेन्स होती है उसका लैंड बहुत ज़्यादा फ्लैट होता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर ईजली रह सकते हैं, अपने घर बना सकते हैं और वहाँ पर कल्टिवेशन भी कर सकते हैं, मतलब फार्मिंग भी कर सकते हैं, खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा। टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 44। Because of fertile soil, the land is highly productive for cultivation. मैंने आपको बताया तो प्लेन की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, जो हम कल्टिवेशन में भी वो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और वहाँ पर फसल बहुत अच्छी उगती है। In India too, the Indo-Genetic plain are most densely populated region of the country. जो Indo-Genetic plain है वहाँ पर बहुत population में लोग वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, farming होती है। Okay? अब पढ़ते हैं लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, मतलब लैंड फॉर्म्स में लोग रहते हैं, लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं और क्यों रहते हैं और कैसे उन लैंड फॉर्म्स का वो यूज़ करते हैं, मतलब कि माउंटेन प्लेन्स और प्लेटियोज का वो यूज़ कैसे करते हैं। ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। जो लोग हैं वो अलग अलग लैंड फॉर्म्स में रहते हैं और अलग अलग तरीके से वो वहाँ पर रहते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज, मैंने आपको बताया था माउंटेन्स में बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्लोपी एरिया है, वहाँ पे फ्लैट सरफेस नहीं है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है और वो कॉनिकल और राउंड शेप की होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लैट सरफेस नहीं होता और रहना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, लेकिन प्लेन्स में लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं क्योंकि प्लेन फ्लैट सरफेस में होता है, लैंड सरफेस में होता है और वहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसमें फार्मिंग करने में बहुत इजी होता है, इसलिए लोग वहाँ पे रह सकते हैं। इट इज़ इजी टू ग्रो क्रॉप, बिल्ड हाउसेस और अ रोड इन द प्लेन देन अ माउंटेन। वहाँ पे बहुत ईजिली फार्मिंग हो सकती है, लोग घर बना सकते हैं, लोग रह सकते हैं प्लेन में माउंटेन के बजाय, क्योंकि माउंटेन में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। Can you point out the some differences in the way people live in the different kind of landforms? Sometimes natural calamities such as earthquake, volcano eruptions, storms and floods cause widespread destructions. कभी कभी माउंटेन प्लेन्स और प्लेटियोज में नेचुरल कैलामिटीज़ भी होती है। नेचुरल कैलामिटीज़ मतलब कि अर्थक्वैक, वॉलकैनो, स्ट्रॉम्स, फ्लड्स, मतलब भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना या फिर वॉलकैनो फट जाना। वॉलकैनो फट जाना मैंने आपको बताया था माउंटेन्स में जो वॉलकैनो होता है, अंदर जो उसका मोल्टेन होता है वो लावा के रूप में, जब ही अर्थ बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो वो लावा के रूप में बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है। तो लोग इन सब के वजह वहाँ पर रहते भी थे। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ भी चली जाती है नेचुरल कैलामिटीज से और वहाँ पे जो इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वर मे लोअर द रिस्क, कभी कभी उनको इंसिडेंट्स के बारे में पता भी चल जाता है तो ये उनके लिए रिस्क कम हो जाता है क्योंकि वो उस प्लेस को फिर छोड़ देते हैं। अगर उनको पता चल जाता है तो वो प्लेस को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर नहीं पता चलता तो इससे इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है और लोगों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा जाती है, लोगों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा लॉस होती है। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। क्विक ऑफन वी यूज़ अ लैंड इन द वेस्टफुल मैनर, कभी कभी
अधिकतर जगह ऐसे होता है जो लैंड होता है हम बहुत ज़्यादा उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, बहुत यूज़फुल उसका वेस्ट करते हैं उस चीज़ों को जो हमें नेचुरल चीज़ें मिली हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन द फर्टाइल लैंड। जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पे फार्मिंग बहुत अच्छे से होती है, तो वहाँ पे लोगों को कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग फर्टाइल लैंड में भी हाउसेज बिल्ड करते हैं, शॉप्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से हम लैंड का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं हम लैंड को। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड और इन द वाटर मेकिंग डैम डर्टी। ऐसे ही जो गार्बेज होता है, जो कचरा होता है, वो हम ज़मीन में कहीं भी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हम लैंड को गंदा कर रहे हैं और अपने गार्बेज जो कचरा होता है उसको रिवर्स और ओशियंस में भी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से रिवर्स और ओशियंस भी बहुत पॉल्यूटेड हो रही हैं और गंदी हो रही हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स टू नेचर इन द केयरलेस मैनर। जो हमारा नेचुरल चीज़ें हैं हम उसको बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उस चीज़ को बहुत गंदी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर अवर यूज। जो लैंड होता है वो सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं होता, इट इज़ अवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ ए बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लैंड को, रिवर्स को, लेक को अच्छी तरह इस्तेमाल करें और उसमें गंदा नहीं करें, पॉल्यूटेड नहीं करें, और क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर यंग वंस के लिए भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें हैं। तो इसलिए कहीं भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, अपने लैंड को क्लीन रखना चाहिए, और जहाँ फर्टाइल लैंड है वहाँ पे कभी कंस्ट्रक्शंस नहीं करने चाहिए। और जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो धुआं एयर में आता है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फियर डिस्ट्रॉय होता है, तो उससे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आपने माउंटेन, प्लेन और प्लैट्यूज़ के बारे में पढ़ा। लैंड फॉर्म्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली माउंटेन और प्लेन और प्लैट्यू होते हैं। माउंटेन राउंड और कॉनिकल शेप के होते हैं, और जो उसकी लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा ऊबर खाबड़ और टेढ़ी मेढ़ी होती है, जहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग भी नहीं हो पाती। जो प्लैट्यू होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊँचे होते हैं, लेकिन उसका जो सरफेस है वो फ्लैट होता है, लेकिन वहाँ पे भी रहना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। लेकिन जो प्लेन्स है वो लैंड में ही होता है, वो कभी भी ऊंचा नहीं होता, उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा फ्लैट होती है, उसकी सॉइल भी फर्टाइल होती है, जहाँ पे मोस्टली लोग रहना पसंद करते हैं। ओके, और जो प्लैट्यू होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, माइनिंग होती है, कोल मिलता है, गोल्ड सिल्वर भी पाया जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।